लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद वे दूसरी बार राजधानी जयपुर आएंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रामलीला मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और इसी दौरान सह प्रभारी विवेक बंसल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, रमेश मीणा और अमीन कागजी सहित कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। और इसी दौरान पायलट ने कहा कि 26 मार्च को राहुल गांधी प्रदेश में 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सूरतगढ़ बूंदी में जनसभा और जयपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से कार्यकर्ताओं में और भी अधिक ऊर्जा का संचार होगा। इस दौरान पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को बीच में ला रही है, जो कि गलत है। गांधी जी जब पिछली बार जयपुर में आए थे, रोड शो हुआ था, वो एक ऐतिहासिक रोड शो था और उसका परिणाम ये है कि आज जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसमें 8 में से 5 हमारे विधायक कांग्रेस को जीत कर रहे हैं। राहुल जी ने एक किसान सम्मेलन किया था, एक धन्यवाद प्रोग्राम हमने किया था, उसके बाद 26 तारीख को उनका कार्यक्रम सूरतगढ़ में है, एक आम सभा को संबोधित करेंगे, फिर बूंदी में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, उसके पश्चात जयपुर में जैसा बंसल जी ने बताया हमारे जो 50,000 बूथ हैं उन बूथों पर जो हमने पिछले 2 महीने में ट्रेनिंग दी है, जिनको चिन्हित किया है, जिनको प्रशिक्षित किया है, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने इन्वाइट किया। कोई भी दौरा होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको लेके हम लोगों में भी खासतौर से कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से ऊर्जा जागृत होती है, उत्साह जागृत होता है, वो बहुत जो हमारी जो आगे की राजनीतिक लड़ाई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक सिद्ध होता है। तो इसको लेके हम सब लोग और ख़ासतौर से मुख्य रूप से जो शक्ति के जो हमने जो अभी जो जो प्रशिक्षण शिविर लगा उसमें जिन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और उनका उनको ज्ञान दिया गया चुनाव के प्रति और जो जिस तरीके से आगे आने वाले EVM वगैरह सबको लेके, तो उनके साथ उनको हम सब लोग आमंत्रित कर रहे हैं और उनको भी एक एहसास जिससे कि हो सके कि वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस राजनीतिक लड़ाई की श्रृंखला।